ये क्या कि आज मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो? इसी के साथ हमारी ट्रिप शुरू होती है। हट, क्या सुंदर शब्द का है। दो लव्स, दो सुंदर लव, एक लव, एक सुंदर लव, दो सुंदर लव्स। तो हम कहाँ जा रहे हैं राजू इतनी जल्दी सुबह उठ के? हम मुद्दे की बात ये है, हम लोग टाइम पे चल रहे हैं और ऐसा ही खाली खाली रास्ता हमें मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं हम, आपको क्या लगता है? यस, आपने सही कहा, हम जा रहे हैं गोवा। जॉगिंग। सोने। क्या तू क्या दिख, तेरे को क्या लग रहा है? अच्छा ये बताओ, तुम बताओगे कहाँ दिख, कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा कोच है जो हमें जॉगिंग में लेके जा रहा है। आज है वेट लॉस का डे वन, वेट लॉस 101। वी आर इन दिस ब्यूटीफुल बट यूजलेस प्लेस। इतना क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें यूजफुल हमें मुंह पे बोल दिया गया कि निकलो यहाँ से तुम लोग, क्योंकि हम लोग बाप बेटे हैं और पति पत्नी नहीं है। पहले हम गए बोलते नहीं, बस फैमिली वालों को देंगे। हमने कहा हम फैमिली हैं, बाप बेटे हैं, ये भाई बहन। नो, डज नॉट वर्क। मैंने ठीक है अलग अलग दे दो, ये भाई बहन को अलग रूम दे दो, हमें अलग रूम दे दो। और ये तो थे ही नहीं, अच्छा ये नहीं थे वहाँ पे। तो वो बोलते नहीं नहीं देंगे हम, तुम पति पत्नी नहीं हो। बेसिकली तुम पति पत्नी नहीं हो इसलिए तुम्हें संस्था में एक रूम नहीं मिलता। दैट इज व्हाई यू शुड गेट मैरिड। इस ब्लॉग का टाइटल होना चाहिए द ओनली रीजन यू शुड गेट मैरिड इन लाइफ। जिसकी पांच बीवियां होती है। बहुत खराब एक्सपीरियंस। और जो इतने सारी बसेस में जो ट्रस्ट वगैरह के साथ जो वो आते हैं, वो जनरल रूम में ऐसे रहते हैं ना, पति पत्नी होगा तो रूम मिल जाएगा उनको ना। बाकी लोग बाकी जनरल में रहो, पति पत्नी के लिए पूरा रूम। कोई बात नहीं, ठीक है कहीं और जाएंगे देखते, अच्छी जगह करेंगे। बात यह है हम लोग 3.5 घंटे में पुणे से त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। थैंक यू, धन्यवाद। पहुंचे इसलिए ताकि हमें यहाँ रहना था। और 10 बजे टोकन खुलते इसलिए इस चक्कर में हम निकले आए। सर को ढंग से हमने कुछ करने भी नहीं दिया, करने भी नहीं दिया, पहनने भी नहीं दिया। एनीवेज कोई बात नहीं, मूड ऑफ नहीं करते हम आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस हम आए हैं रूम देखने, दिखा रूम दिखाने आए हैं। हां तो एक पानी आता है ना 24 तास, पानी आ जाएगा आपको 24 घंटे में। खाना खुद खाना पड़ेगा हाथ से, वो आना है, खाना खुद खाना पड़ेगा हाथ से। सुन लिया? अरे कौन सा रूम है? हाँ फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ हम बहुत आराम कर पाए। और अभी हम कुछ खाने की तलाश में हैं। खाने की तलाश के बाद हम वहाँ जाने वाले हैं वापस। पापा का कहना है कि हमें बुलावा आया है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो फिर कैसा लगेगा वहाँ चढ़ के? चढ़ना है ना, सोच तो रहे जा रहे हैं और चढ़ना है। लव सोचना पड़ेगा, लव बता रहा हूं। सोच रहा हूं क्या सोच रहा है? सर चढ़ जाओगे ना? हाँ सर, से तो अभी रेडी हो रही चढ़ने के लिए। वाह देखो ऐसे रेडी होते हैं ट्रैक के लिए। ऑल यू नीड इज अ बक्कल। चलो ओ यहाँ पे हमें रास्ता बंद मिला, बट वो हमारी हेल्प कर रहा है, रास्ता बनाएगा शायद। ओ नहीं वो मुझे साइड दे रहा है, मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना है। बस करने को कुछ है नहीं तो आज हम यही करेंगे। आगे से एक सेंटर आई है उसको वैसे उतरना पड़ा तो पता नहीं, देखता है मैं ही शायद अंदर कॉन्फिडेंट हूँ, बट एक बार स्पीड पकड़ लेगी तो चढ़ जाएगी। नहीं टॉर्क चाहिए हमें, स्पीड थोड़ी सी सब उतर जाता, स्पीड भी चाहिए, उससे क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, देखते हैं। हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ उसके वो काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है? अरे पैर रे पैर। भाई पिछली बार जैसे एक ऑटो ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर मैंने कहा सेंटर तो ठीक है ऑटो भी आ रहा है तो अब तो जाना पड़ेगा, और हम निकल गए। यस यस रास्ता दिखा लेकिन रास्ता रहने दो। अब बहुत मेहनत से आ गया इसका क्या बात, मत क्या। अरे वो जब खोद रहा था तब दिखाया था मैंने रास्ता की तो। हाँ
यस ये है हमारी मोटिवेशन ना। ओ देखो ड्रिफ्ट किया ओ भाई बहुत बढ़िया भैया, शानदार क्या बात इसी क्या बोलते हैं इसको, इसी प्रोत्साहन के साथ हम आगे जा रहे हैं। अभी एक जगह तो पता है ऐसा होता है कैसे खाई आएगी उसे पता ही नहीं चलेगा रोड है कि नहीं। एक और आगे सर मजा आ रहा है थर्ड रो में गाइस। सर तो सो रहे हैं। नहीं वैसे गाड़ी पीछे जाएगी और नीचे कहीं धड़केगी ना, सबसे पहले आप ही का नंबर है, आप लास्ट बैठे हो। तेरी तेरा भी हीरो वाला आ रहा है। हाँ क्या, हाँ हीरो ही भी इसका ऐसे वाले। अरे नहीं चल रहा, चल फ्री वाली है। जब बेटा वाह आई एम डिसोन्ड थोड़ा बहुत थक हारने के बाद मैगी ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर अब रेस्ट होगा क्योंकि हम एक्चुअली घूमने नहीं आए, रेस्ट करने आए हैं। पहले हम रेस्ट करेंगे, जब मौका मिलेगा तो बीच बीच में घूम लेंगे। अभी एक काम कर चाहे तो वो उसमें कुंड में स्नान कर सकते हैं। ओ हाँ लेट्स डू दैट, थकान निकल जाएगी। हाँ हाँ और क्या। अच्छा सॉरी तुम चारों एक साथ मजा करो, मैं अकेले रहूँगी। हमें त्र्यंबकेश्वर में होटल तो कुछ समझ में नहीं आया, एक जगह थी जहाँ बहुत गाड़ियाँ थी, हम वहाँ आ गए, बहुत भीड़ थी गाड़ियाँ और भीड़। अभी देखते हैं, पापड़ तो अच्छा ही था, ठीक था, नॉट बैड। बाहर बाकी पूरा सन्नाटा अंधेरा, ऐसा लगेगा आपको कोई कोई जिंदा नहीं बचा। हाँ कितने बज रहा है, 8 बज रहा है ना, 9 बज रहा है, 8:36 सब 9:30 बजे बंद हो जाता है। अभी भी 9:30 बजने वाला है, हमें आइसक्रीम मिल गई है दुकान पे। खाना उस ढाबे का अच्छा था, ठीक ठाक था, ज़्यादा ढाबे है नहीं वहाँ पे, कुछ ही है। हम अभी बस देखेंगे पार्किंग के लिए कहाँ जगह रहेगी सुबह, और फिर उसके बाद सो जाएंगे ताकि सुबह 4:30 बजे ही मंदिर पहुंच जाए कम लाइन में। एनीवेज